वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ जो मेरे चैनल क्वीन ऑफ वन 516 में आप सभी लोग एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आके पढ़ रहे होंगे। सो आज की रीडिंग हम क्या करने वाले हैं, आपने जिस टॉपिक के ऊपर सबसे ज़्यादा वोट किया था उसके ऊपर ही हम आज रीडिंग करने वाले, यानी कि आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो तब से लेकर 3 मंथ्स तक क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है, क्या गाइडेंस मैं दे सकती हूँ आपको। एंड ऑल्सो ये टाइमलेस होगी, सो आप जब भी देखोगे आपके साथ ये रेजोनेट करेगी। सो कैसे करने वाली हूँ वो मैं आपको बता दूँ सबसे पहले इंट्रो सुन के, उसके बाद आप अपने पाइल चूज कर लेना। यहाँ पर मैं सबसे पहले देखूंगी कि आपकी करियर ग्रोथ क्या हो रही है, उसके बाद आपके लव लाइफ के लिए देखूंगी, देन देखूंगी आपके हेल्थ के लिए, और उसके बाद आप स्पिरिचुअली कितना ग्रो कर रहे हो। लास्टली गाइडेंस, ओवरऑल जो एनर्जी है उसको पिक करके स्पिरिट्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। अभी पाइल्स दिखा देती हूँ, आप उसको चूज कीजिए। यहाँ पर नंबर्स हैं जो कि एंजल्स नंबर हैं। फर्स्ट है 888, सेकंड पाइल के लिए है 444, थर्ड पाइल के लिए है 222। क्या करनी है आपको, एक नंबर को चूज करनी है जिससे आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट महसूस कर रहे हो, ड्रॉन हो रहे हो। ओके, इफ़ अगर आपको नंबर्स चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने और एक ऑप्शंस आपके लिए रखा हुआ है, वो है ये स्टोन्स। फर्स्ट पाइल के लिए जो स्टोन है सी, ये है कार्निलियन। सेकंड पाइल के लिए जो स्टोन है वो है एमिथिस्ट। ये एमिथिस्ट का कलर जो है ना बहुत ही ज़्यादा डीप है, दैट्स वाई ये ब्लैक लगती है, बट ओरिजिनल जो कलर है वो है पर्पल। ठीक है, एंड लास्टली जो आपके लिए है लेपिस लेजियोली, थर्ड पाइल के लिए। सामने मैं क्लिप प्ले कर दूंगी, सो आप वहां से पॉज करके आपकी पाइल चुन सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगी, वहां पर जाके क्लिक करेंगे तो अपने रीडिंग तक पहुंच जाएंगे। इफ अगर आप पर्सनली रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मेल आईडी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम के लिंक है, तो वहाँ पर आप जाके मुझे ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि डेली बेसिस पे मैं वहाँ पर भी ऐसी शॉर्ट वीडियोस डालती हूँ। ओके, तो चलिए अभी आपके रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं और जान लेते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको क्या क्या पता चलती है। ऑप्शन वन, इफ आपने ऑप्शन वन को चूज किया, यानी कि आपने या तो फिर एंजल नंबर 888 को चूज किया है या फिर कार्निलियन को चूज किया है। सबसे पहली जो चैनल मैसेज आप लोगों के लिए है यहाँ पर वो है, यहाँ पर कुछ लोगों की राशि हो सकती है एरीज लियो सेजिटेरियस एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न जिमिनाई लिब्रा एक्वेरियस। ये साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली जो कि एरीज लियो सेजिटेरियस है उन लोगों के लिए। सो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है मैं आपको बता दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इफ 888 को देख के चूज किया है, तो आपके लिए मुझे दिख रहा है इस 3 मंथ में कहीं ना कहीं आप अपने स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो, वो लव लाइफ के लिए हो, करियर के लिए हो, या वह किसी भी एस्पेक्ट से हो, या फिर किसी भी एस्पेक्ट से हो, आप अपने ग्रोथ के ऊपर ध्यान देने वाले हो, आप अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान देने वाले हो। और आप इफ कुछ काम भी करोगे ना, आप पहले वहाँ पर देखोगे कि वहाँ पर आपको स्टेबिलिटी मिल रहा है कि नहीं। आप जहाँ पर टाइम दे रहे हो तो वो टाइम सही से काम में लग रहा है कि नहीं, तो इन चीज़ों के ऊपर कहने के लिए आप ध्यान दोगे। ओके, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ऐसी होने वाली है जहाँ पर आप ऐसा फील करोगे कि जैसे कि कुछ चीज़ें आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आपको प्रॉब्लम हो रही है। और ऑल्सो ना आप कंफर्ट जोन में रहना प्रेफर करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि
जो भी आपको आपको जब भी लगेगा कि कुछ चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो वहाँ से ना आप ऐसे ही चले आओगे, ठीक है। कुछ चीज़ों को आपके ऊपर हावी नहीं होने दोगे, और बहुत जैसे कि एक प्रोटेक्टिव एनर्जी होती है ना, तो वैसी एनर्जी आपके लिए लग रही है। डांसिंग एक एनर्जी मुझे दिख रहा है कि बैलेंस करके चलने वाले हो, या एंड अपने गुस्से के ऊपर और नेगेटिविटी के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। लाइक इफ अगर आपको एंगर इश्यूज हैं, इफ अगर आप थोड़ी थोड़ी बातों से चिढ़ जाते हो, या फिर आप थोड़ी सी मूडी हो रहे हो इस दौरान, तो इसके ऊपर आपको खास ख्याल रखनी है कि आपको इन चीज़ों को अवॉइड करनी है। इफ अगर अपना ग्रोथ चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, तो स्पिरिचुअल आप कितना ग्रो कर रहे हो वो भी मैं यहाँ पर देखूंगी, तो लेट सी और मुझे क्या पता चलती है। ये तो हो गई ये चैनल मैसेजेस, आपके कार्ड्स मुझे क्या बता रही हैं एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। आपके टैरो से है नाइट ऑफ कप्स, एट ऑफ रॉड्स, पेज ऑफ कप्स। विद दिस टैरो मुझे जो चीज बहुत साफ साफ दिख रही है वो है आप गोइंग विद द फ्लो जाने वाले हो। यू नो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप किसी चीज को लेकर इन 3 महीनों में बहुत जैसे कि मेहनत कर रहे हो, तो वहां पर ना आप वो चीजें आपके इमोशन से जुड़ा हुआ है, वो चीज़ों में कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस को ढूंढोगे। हो सकते हैं ये आपके लव लाइफ को लेकर हो सकते हैं, आपके रिलेशन को लेकर हो सकते हैं, या फिर आप जो करियर परस्यू करना चाहते हो, या फिर कुछ जैसे कि हासिल करना चाहते हो। यहाँ पर आपके लिए वो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, जैसे कि कुछ आप चाहते हो, दिल से बहुत चाहते हो कि ये बस हो जाए, बस ये मुझे मिल जाए, ऐसी एक एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। सो या डेफिनेटली आप उसके पीछे कहीं ना कहीं भागोगे, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। विद दिस एट ऑफ रॉड्स हो सकते हैं आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, ठीक है। कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, कोई वीज़ा हो सकती है, कोई मेल्स हो सकती है, कुछ रिजल्ट हो सकते हैं, कुछ चीज़ों का जैसे कि वेट कर रहे हो, ये स्टडी को लेकर भी हो सकते हैं। तो वहाँ पर से मुझे एक मैसेज आता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव एक आउटकम मिलता हुआ आप दिख रहे हो। बहुत टाइम से अगर आप अपने दिल में कुछ इमोशंस दबा के बैठे थे, तो अभी आप और नहीं रह पाओगे, तो वो जैसे कि आप निकाल रहे हो धीरे धीरे करके उस काम को, या तो फिर उस काम की तरफ बढ़ रहे हो, या जैसे कि किसी से बात करना हो गया, किसी से बात करना चाहते हो तो जैसे कि उनसे बातचीत शुरू हो रहा है आपका, ठीक है। कोई काम करना चाहते हो तो वहाँ पर जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि उस काम की तरफ आप बढ़ रहे हो, कर रहे हो, करना स्टार्ट हो गई है इस पाइल के लिए, जो भी चाहते थे तो वो एक शुरुआत हो चुकी है, मुझे वही चीज़ दिख रहा है। ओके लेट सी, यहाँ पर मुझे ना जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी आपके लिए महसूस हो रही है, वो है आपके इमोशंस। आपके इमोशंस बहुत होने, मतलब ये 3 महीनों में ना आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाले हो, बहुत ज़्यादा फील भी करोगे और बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी भी देने वाले हो। आप ना फॉलो करोगे कि आपको क्या चाहिए, आपके दिल को क्या सुकून दे रहा है, तो वही चीज़ करने वाले हो। कभी कभी हो जाते हैं कि नहीं हमें तो ये चाहिए। एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ, हो सकती है कि आपको आपके बॉडी को थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हो, नहीं मुझे काम करनी है, इफ़ अगर ये काम मैं अब तक नहीं ख़त्म करूँगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर ये मैं परस्यू नहीं कर पाऊंगी, तो ऐसा कुछ थॉट हो जाती है और हम क्या करते हैं उस काम के पीछे ही लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इफ अगर आपको लगेगा कि नहीं मेरी बॉडी को सच में रेस्ट की ज़रूरत है, और आप उस अपने मन की बात ही सुनोगे, तो मुझे यहाँ पर वो चीज़ दिख रहा है। ओके और एक पैशन है, ऑल्सो एक पैशन है, जिस भी काम में ना पैशनेट हो वहाँ पर ग्रोथ दिख रहा है। एक बेबी स्टेप करके जैसे कि आगे ले रहे हो, बेबी स्टेप लेके बढ़ रहे हो आगे, वही चीज़ मुझे दिख रहा है। लेट्स सी आपके करियर के लिए मुझे क्या पता चलती है। फर्स्ट है फ्रेंडलीनेस, एंड सेकंड है मेन फीमेल। एक चीज़ देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। हो सकते हैं कि आप इफ़ अगर पाइल 2-2-2 को चूज़ करें तो वहाँ से आपको कुछ क्लैरिटी मिले, मुझे ऐसा महसूस हुआ, सो मैंने बता दिया। हो सकती है कि आपको भी अट्रैक्शन महसूस हो रही थी, सो पाइल 2-2 को इफ़ अगर आप देखना चाहते हो तो ज़रूर देख सकते हो, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर
2x22 आया हुआ है, दैट्स व्हाई मैंने कहा। ओके आगे बढ़ते हैं। तो मुझे ना एक यहाँ पर ऑफर दिख रहा है, जैसे कि कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हो या फिर आप किसी के साथ मिलके कुछ काम करने वाले हो, जैसे कि एक शुरुआत हो रही है, मुझे यहाँ पर वो ही चीज़ दिख रहा है। और किसी के साथ मिलके किसी कोई अपना आपकी बहुत अपना आपकी हेल्प कर सकती है, आपके क्लोज आ सकती हैं और आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकती है, ठीक है। आपके कोई फ्रेंड हो सकती है, कॉलिग्स हो सकती है या फिर फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कोई तो ऐसा होगा इन 3 महीनों में आपको बहुत हेल्प करेंगे जो भी आप परस्यू करना चाहते हो वो करने के लिए। मुझे यहाँ पर वो साफ साफ चीज़ें दिख रही है, जैसे कि एक ऑफ़र आ रही है आपकी तरफ। मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है, आपकी तरफ एक ऑफ़र आ रही है। मैं ये करियर के एस्पेक्ट से बोल रही हूँ क्योंकि लव लाइफ मैं देखूंगी यहाँ से। ओके अरे वहाँ पर गिर के ओके लव लाइफ यहाँ से मैं देख के बोलूंगी। सो ये मैं करियर के एस्पेक्ट से बोल रही हूँ कि करियर में जैसे कि आप कुछ पा रहे हो, ठीक है। और जो भी आप पाओगे ना तो वहां पर आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक कुर्सी दिख रहा है मुझे यहाँ पर, जैसे कि आप वो कुर्सी पे बैठने वाले हो। अब तक आप सिर्फ वेट कर रहे थे कि कब आप सेटल हो गए, कुर्सी में मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि एक सेटलमेंट चाहते थे, बस हो जाए एक कंफर्मेशन मिल जाए, जैसे कि ये काम थोड़ी सी तो स्टार्ट करूँ, कुछ ऐसी थॉट्स मुझे आपके लिए दिख रहा है, ठीक है। तो वो स्टार्ट हो रही है, वो स्टेबिलिटी आपको मिल रही है, एक शुरुआत दिख रहा है आपके लिए, डेफिनेटली दिख रहा है। आपके दोस्त आपको कॉन्ग्रेट्स कर सकते हैं या फिर आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकती है, मुझे यहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग चीज़ दिख रही है। कोई पार्टी अटेंड कर सकते हो इन 3 महीनों में, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस उसकी भी बन रही हैं। कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है या एंड ऑल्सो नंबर 222 भी आप इस दौरान पे शायद बहुत देख सकते हो, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। लेट्स सी जो लोग भी लव लाइफ को लेकर जानना चाहते हैं उनके लिए क्या आती है। काइंडनेस, सी किंग ऑफ कप्स के नीचे ही काइंडनेस आई है। इमोशनल, बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने वाले हो। पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो की वाइव कार्ड से आ रही है, जो कि यहाँ से एडीज लियो सेजिटेरियस का था, बट कार्ड्स बता रही है कि पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो। सो आप इमोशनली बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल होने वाले हो इस दौरान पे, इमोशंस को प्रायोरिटी देने वाले हो। एंड जो भी काम करोगे ना अपने दिल से सोच के करोगे, जो भी काम करोगे मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और आपको वो करनी भी चाहिए, मुझे ये आपको सजेस्ट करनी है, ठीक है। और आप लव लाइफ में हो आपकी या फिर करियर के लिए हो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक पार्टनरशिप। लव लाइफ के लिए भी आप इफ़ अगर किसी का इंतज़ार कर रहे हो या फिर शादी करना चाहते हो, सेटल होना चाहते हो, तो उसकी भी एक वाइव यहाँ पर आ रही है विद दिस काइंडनेस। जैसे कि कोई मेल करने वाला है, कोई मैसेज करने वाला है, इंतज़ार जो है ना इन 3 महीनों में कहीं ना कहीं आप वो रंग लाने वाली है, ये मुझे दिख रहा है। लेट्स सी आपके हेल्थ कैसे जाने वाली है। गॉडेस ऑफ द मून, माय गॉड, ये पायल, आप बहुत स्पिरिचुअल होने वाले हो गाइस। हेल्थ वाइज मुझे यहाँ पर दिख रहा है, हेल्थ वाइज भी आपके वही एनर्जी पिक हो रही है कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल रहने वाले हो विद दिस गॉडेस ऑफ द मून। एंड आपकी इंट्यूशन बहुत हाई होने वाली है, ये स्पिरिचुअल कार्ड है, मैं ज़रूर देखूंगी और इसमें ज़रूर ये मैसेज रहेगी। मुझे नहीं पता कि क्या है क्योंकि मैंने शफल करके सिर्फ रख दिया है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कार्ड में कुछ तो ऐसा मैसेज होगा जहाँ पर मुझे पता चलेगी कि आप लोग बहुत स्पिरिचुअल होने वाले हो, या तो फिर आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, या फिर इस दौरान पर आप बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ, जैसे कि ध्यान देना, कुछ करना, कुछ मैनिफेस्ट करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कुछ यूज़ करना मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो वो जैसे कि इन 3 महीनों में आपको दिखेगा थोड़ी सी। अपने इंट्यूशन को सुना कीजिए, इन 3 महीनों में ना आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, मुझे वो चीज़ दिख रहा है। लेट्स सी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप कितना ग्रो करोगे, ठीक है, कितना झुकाव होगा। सोल फ्लेम द राधा, सी कितना ब्यूटिफुल, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ ये क्या लिखा हुआ है। रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंसिंग रिलेशनशिप हारमोनी एंड हीलिंग, हारमोनी एंड हीलिंग। सो आप लोग हील कर रहे हो, स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो,
कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली पार्टनरशिप में जा सकते हो, जो लोग प्रपोजल की वेट कर रहे हो, शादी के लिए देखना चाहते हो, स्पेशली जो लोग शादी करना चाहते हो, उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप सेटल हो रहे हो, आपको एक ऑफर मिल रहा है। एंड जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है उनके लिए मुझे दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में ना बहुत क्लोजनेस बढ़ने वाली है, एक हारमोनी आ रही है, एक हीलिंग, जैसे कि दोनों में ना एक अंडरस्टैंडिंग मुझे दिख रहा है। जो लोग भी शादीशुदा हो तो उन लोगों के लिए स्पेशल मैसेज ये है, एक अंडरस्टैंडिंग आने वाली है आप दोनों के बीच में। इफ़ अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, इमोशनली कुछ बैगेजेस था, तो वो रिलीज होने वाली है, मुझे यहाँ पर वो सुनाई दे रहा है एंड ऑल्सो दिखाई भी दे रहा है। सो या बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स है पाइल वन आपकी, एंड मैसेजेस भी बहुत क्लियर है। यहाँ पर आपको ना क्लैरिटी रहेगी इन 3 महीनों में, आपको क्या करनी है, कैसे आगे बढ़नी है, इन सारी चीज़ों में आपको क्लैरिटी रहेगी, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि मुझे क्या करनी है क्या नहीं करनी है। इफ अगर कहीं पर कन्फ्यूज हो जाओ तो आपके लिए सजेशन ये रहेगी कि आप अपनी इंट्यूशन को सुने, इंट्यूशन के सुनेंगे तो वहाँ से आप बहुत आसानी से आप निकल जाओगे, मुझे यहाँ पर वो दिख रहा है, क्योंकि आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करने वाले हो इस दौरान पे। आप पिंक फ्लावर यूज कर सकते हो जब बाथ ले रहे हो, या फिर पिंक पसंद हो सकती है आपको, पिंक या फिर ब्लू, या फिर पिंक ब्लू कैंडल की मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, स्पेशली ब्लू, यू नो, पीस को अट्रैक्ट करने के लिए मुझे वो दिख रहा है। स्टेबिलिटी तो मिलेगी ही आपको, लेकिन एक पीस, जैसे कि हीलिंग आपके लिए इस पाइल के लिए बहुत ज़रूरी है, एक पीस आ रही है। इफ अगर नहीं है अब तक आप में जो आप चाहते हो, जो एक शांति होती है ना मन की, अभी वो आपके पास नहीं है, तो इन 3 महीनों में मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा कुछ होने वाला है, आपको वो चीज़ें मिल रही हैं जहाँ पर यू नो, आप हील्ड होने वाले हो, एंड ऑल्सो आपको एक शांति मिल रही है, एक सुकून मिल रहा है, वो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या आई है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। आपको कॉन्फिडेंस रहने की ज़रूरत है खुद के ऊपर, आप विश्वास रखिए कि आप कुछ भी कर सकते हो, हार मत मानिएगा, मैं आपको यही बताऊंगी। हो सकते सी यहाँ पर लियो है, सो लियो बहुत स्ट्रांग आ रही है यहाँ पर। सो या मुझे क्या दिख रहा है कि आप में ना पोटेंशियल है, शायद कभी कभी आप शक करने लगते हो, थोड़ी सी कन्फ्यूजन आप में आ जाती है, थोड़ी सी कन्फ्यूज हो जाते हो कि होगा कि नहीं होगा। ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, हो सकती है, हम इंसान हैं तो डेफिनेटली हो सकते हैं, लेकिन आपको मैं यही बताऊंगी इन 3 महीनों में आप ग्रो करोगे। सो कॉन्फिडेंस लूज नहीं करनी है आपको, जो चाहिए उसकी तरफ आगे बढ़ो। मुझे दिख रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो और वहाँ पर आप ग्रोथ पा रहे हो जैसा चाह रहे हो, ठीक है। सो लेट्स सी कि आपके लिए मुझे यहाँ से क्या पता चलती है। फर्स्ट मैं देखूंगी कि एक ही जो ये फोकस है ना, यहाँ पर चार्म क्या आती है, सिर्फ एक चार्म लूंगी, ओके, सिर्फ एक चार्म लूंगी और मैं आग बंद करके लूंगी। अभी दिखा तो नहीं पाऊंगी ना, मैं आग बंद करके ले रही हूँ या फिर क्या, लेकिन मैं सिर्फ आग बंद करके एक ही चार्म लूंगी और मैं देखूंगी क्या बताना चाहते हैं स्पिरिट सेक्स। ओ माय गॉड, या ग्रोथ, सी मैंने आपको कहा ही है, ये चार्म ग्रोथ के बारे में बताती है। ग्रोथ आ रही है गाइस, आपकी रिलेशन में हो, वो आप कोई स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर अपने करियर पे हो, एक ग्रोथ दिख रहा है आपके लिए, ठीक है। कुछ मैं लेटर निकालने वाली हूँ, कुछ लेटर्स आपके लिए यहाँ पर से निकालने वाली हूँ। उस लेटर को देख के आपको सबसे पहले कौन सी वर्ड दिमाग में आ रही है, तो वो आपके लिए बहुत स्पेशल मैसेज होगी। यू नो, ये जनरल होती है, तो क्या होती है कि जब भी मैं इनिशियल देती हूँ तो आ सकती है, एंड कभी कभी मैसेजेस आती है, लेकिन यहाँ पर से अगर आप खुद के लिए मैसेज लोगे तो स्पिरिट्स आपको हेल्प करेंगे कि आपको इन 3 महीनों में
और क्या मिलने वाली है और क्या जानने को मिलता है। तो स्पेसिफिक मैसेज होगी सिर्फ आपके लिए, जनरल भी देख रहे हो लेकिन आपके लिए वो स्पेशल मैसेज हो गई है ना। तो मैंने ये तरीका निकाला हुआ है और मैंने सोचा है कि मैं अपनी हर रीडिंग में ये करूँगी ताकि आपको क्लैरिटी मिले। ओके, सो मैं लेटर निकाल रही हूँ, मैं 5 लेटर्स निकालूँगी। सो आपको देखनी है एक एक लेटर देख के आपको कौन सी वर्ड दिमाग में आ रही है। ओके, एंड उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो इफ चाहो तो। ओके, अदरवाइज आपको मैसेज मिल जाएगी। लेट सी फॉर पाइल 2, सॉरी पाइल 1। पाइल 1 के लिए बताइए स्पिरिट्स। ओके, सो यहाँ पर नंबर आई है, सो 9 या फिर 6 आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। एंड ऑल्सो इन 3 महीनों में कोई भी महीने की 9 या फिर 6 तारीख आपके लिए शायद इम्पोर्टेंट हो। एफ टी ये नंबर्स आई है, ठीक है कोई बात नहीं, इसको रख देते हैं, लेकिन लेटर्स हम 5 ही लेंगे। ये आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेज हो गई जो स्पिरिट्स आपको देना चाहते हैं। जेड फिर से 9, सो या मुझे क्लियर हो गई है। मैं आपको बता दूं आपको इस दौरान बहुत सारे 9 सीख सकते हैं या फिर बहुत सारे 666 सीख सकते हैं, क्योंकि 6 का मतलब होती है हारमोनी का, हीलिंग का। सो बैलेंस आ रही है आपके लाइफ में, जैसे कि मैंने सबसे पहले चैनल मैसेज में कहा था, क्योंकि आपने 888 को चूज़ किया है तो बैलेंस भी। ओ माई गॉड, देखिए 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 इसको यहाँ पर चिपकना है, यानी कि आना है। चलो, सो या बैलेंस आ रही है, हारमोनी और ऑल्सो हीलिंग आपके कार्ड में भी वही था, तो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज बन गई पाइल 1 के लिए। और एक लेटर चाहिए मुझे, 2 एफ आया हुआ है। अच्छा, जब मैसेज और एक चैनल हो रहा है, सो अपने शब्दों का इस्तेमाल सही से करिए। हो सकती है कि अपने आप अपने डेली जिंदगी में बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना, कि मुझे मुझे बताना है, मुझे ये गाइडेंस आया हुआ है तो मुझे बताना है, ये चैनल हो रहा है जिनके साथ जा रहा है वो रख ले। बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हों जो कि सही नहीं है, ठीक है। किसी और को आप कुछ बुरा बोल रहे हो, मैं बोल सकती हूँ कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो जो कि सही नहीं है। आप समझ ही रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। सो वैसी लैंग्वेज यूज़ मत करिए, क्योंकि वो भी नेगेटिव इफ़ेक्ट हमारे ज़िंदगी में डालते हैं। तो कोशिश करिए कि कोई भी आप ऐसी लैंग्वेज यूज़ ना करें जो कि आपकी जो ये जर्नी है इसमें ब्लॉकेजेस बने, ठीक है ना। सो ये मैसेजेस आपके लिए यहाँ पर से मुझे मिल रहा है। आई होप मैंने आपको यहाँ से कुछ क्लैरिटी दिया है, क्या क्या मैसेजेस आपको यहाँ से रिसीव हुई और क्या क्या वर्ड आपने यहाँ पर से रिसीव किया, ज़रूर बताइएगा। यूनिवर्स को थैंक करना मत भूलना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हाय पाइल 2, इफ आपने पाइल 2 को चूज़ किया, यानी कि नंबर 444 को चूज़ किया है या फिर एमिथिस्ट स्टोन को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी पाइल 2 आपके लिए, मुझे यहाँ पर जो मैसेज चैनल हो रहा है, आपके लाइफ में आप हील्ड होने वाले हो। आपके लाइफ में हारमोनी, हीलिंग, ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं आ रही है। स्टेबिलिटी आपको मिलने वाली है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि कुछ लोग घर बना रहे हो, कुछ लोग शायद घर खरीदना चाहते हो, कुछ लोग अपने घर वापस जाना चाहते हो, कुछ लोग अपने नया घर बसा सकते हो। मुझे यहाँ पर शादी दिख रहा है, मुझे यहाँ पर कुछ सेलिब्रेशन दिख रहा है, या मुझे यहाँ पर सेलिब्रेशन दिख रहा है, मुझे यहाँ पर कमिटमेंट दिख रहा है। जो लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट में मानते हैं तो उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है कि उनके साथ जैसे कि रियूनियन हो रहा है आपका। ओके, सो लेट सी और क्या पता चलते हैं आपके कार्ड्स के माध्यम से। आप वाटर साइन हो सकते हो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड एयर साइन यानी कि जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। लेट सी आपके कार्ड्स क्या बता रही हैं। आपके टैरो कार्ड सबसे पहले ले लूंगी मैं।
वो है सिक्स ऑफ स्वर्ड्स, द डेविल, टेन ऑफ पेंटिकल। या मैंने जैसे कहा स्टेबिलिटी, कैसे स्टेबिलिटी, आपको पैसों में भी स्टेबिलिटी मिलने वाली है, यानी कि फाइनेंशियली आप बहुत ग्रोथ दिखोगे इस दौरान। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि फाइनेंस बहुत ग्रो करने वाले हो। और ऑल्सो टेन ऑफ पेंटिकल बता रही है कि घर वापसी, जैसा कि मैंने चैनल में जो जो कहा था ना वही मैसेज आ रही है। एंड सिक्स ऑफ स्वर्ड्स मुझे यहाँ पर एक जर्नी दिख रहा है, कहीं पर जाना। मुझे यहाँ पर दिख रहा है किसी का वापस आना, वापसी सुनाई दे रहा है। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि कहीं पर ट्रैवल करना चाहते हो, मुझे वही सुनाई दे रहा है। एंड विद दिस डेविल मुझे ये चीज़ लग रहा है कि इन तीन महीनों में कहीं ना कहीं आप थोड़ी सी कुछ चीज़ों में, जैसे कि ऑब्सेस्ड होना होती है ना, तो वैसी ऑब्सेशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मैं बोल सकती हूँ बहुत ज़्यादा काम करना, पैसों के पीछे जैसे कि भागना होती है कि मुझे पैसे ये अर्न करनी है, मुझे ये करनी है, मतलब करनी है, इसके लिए मुझे जितना मेहनत करनी पड़े, तो वैसी ऑब्सेशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हो सकते कुछ ऑब्स्टिकल्स आपको ऐसे मिले आपके रास्ते पर, और आपको उसको कैसे हटाना है वो आ जाए, मुझे यहाँ पर वो चीज़ दिख रहा है। कुछ नेगेटिव पर्सन आपके आसपास आ सकते हैं जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं आपके गोल से, सो उनसे बच के रहिए, वो गाइडेंस मिल रही है। एंड कहीं पर मुझे ना वाटर दिख रहा है, सो आई फील कि वाटर से रिलेटेड आप कुछ करते हो, या फिर ट्रैवलिंग हो सकती है। एंड वाटर इज ऑल्सो अबाउट सी या फिर रिवर, सो बीच पे कहीं पर जा सकते हो सकते हॉलीडे में। एंड ऑल्सो अबाउट क्लैरिटी, सो क्लैरिटी मिल रही है कुछ चीज़ों में, जहाँ पर भी आप अटके हुए थे, क्योंकि यहाँ पर डेविल भी है, सो या क्लैरिटी मिल रही है एक आपको। कुछ लोगों की यहाँ पर रिश्तों में क्लैरिटी नहीं था, हो सकती है कि जो सामने वाला इंसान है आपको कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहा था, या फिर सही से कुछ नहीं इजहार कर रहा था। आपके जो करियर है वहाँ पर आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा था, परमानेंट जो होती है ना वो चीज़ यहाँ पर मुझे मिसिंग दिख रहा है, तो वो मिल रहा है आपको। लेट्स सी आपके और कार्ड्स क्या बताती है। सबसे पहले देखूंगी कि करियर के एस्पेक्ट्स हैं, करियर के लिए पता चल रही है इनर वॉइस एंड ऑफिशियल पर्सन। माय गॉड, या ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पाइल को पाइल वन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस हो रही थी, या फिर पाइल वन को आपको देखनी चाहिए, आई फील, क्योंकि यहाँ पर 2-2 है, सो वहाँ पर भी एक 2-2 का मैसेज आया हुआ था, एंड कुछ मैसेजेस ऑल्सो सिमिलर है। आई फील वहाँ पर से आपको भी क्लैरिटी मिल सकती है, या फिर पाइल 2-2-2 भी देख सकते हो। एनीवेज, सो आपके लिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, आप इस दौरान पे बहुत ज़्यादा नंबर 2-2-2 देख सकते हो। ओके, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर ना बहुत सारे लोग होंगे कि आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। सी, यहाँ पर भी वर्टर है, मैंने कहा ना, सो यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल रही है आपको, आपके इंट्यूशन को आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कोशिश करेंगे कि आप ऐसे आगे बढ़ रहे हो। मुझे दिख रहा है कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो शायद, एंड उससे लोग जल सकते हैं आपसे। सो आपको कोशिश करेंगे कि होती है ना कि वो एकदम बीच में खड़े हो जाए, ऑब्स्टिकल्स बनने की कोशिश करे, तो आपको अपनी इंट्यूशन को सुननी है। एंड आई फील कि आप लोग बहुत स्ट्रिक्ट रहने वाले हो इस दौरान पे, किसी की नहीं सुननी, किसी की बात भी नहीं सुननी, ऐसे जैसे कि कोई किसी से बोल रहा है विद दिस ऑफिशियल पर्सन। आपको सही टाइमिंग में सही कुछ पाना है, और ये जैसे आपने ठान लिया है इस पाइल ने, इफ वो रिलेशन हो, करियर हो, या फिर आपके स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस हो, जो भी हो, आपने जैसे एक टाइम मेंशन करके रखा हुआ है कि इस टाइम में मुझे ये पानी है। कुछ लोग यहाँ पर मैनिफेस्टेशंस टेक्निक भी अप्लाई कर सकते हो, दैट्स वाई आपने
आपने कुछ स्टार्ट किया हुआ है कि इस टाइम के अंदर मुझे ये करनी है, कुछ प्रेयर्स कर रहे हो या फिर ऐसा कुछ हो सकती है, तो वैसा मैसेज आपके लिए मुझे मिल रही है। स्टेबिलिटी पा रहे हो इन 3 महीनों में, मैं आपको ये बोल सकती हूँ एकदम से। इफ अगर मेहनत करो ना तो ज़रूर पाओगे। जो लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं उनको उनकी मेहनत का फल मिल रही है या फिर मिल रहा है, जो भी है। लेट्स सी लव लाइफ में आपके लिए क्या पता चलती है। पर्पस, मैंने कहा ही है। सो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, जो लोग भी ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट में मानते हैं तो उन लोगों के लिए दिख रहा है कि आपके जो पर्पस है ना, इसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। वो पर्पस क्या है ये तो आपको पता करनी है। मुझे एक प्रोग्रेस दिख रहा है आपकी। सी लव लाइफ में जैसे कि कुछ आगे बढ़ना, ठीक है, एक एक साथ मिलके कुछ करना, मुझे यहाँ पर वो सुनाई दे रहा है। इफ़ अगर आपको नहीं पता है आपके पर्पस क्या है, सो प्लीज़ पता करिए, क्योंकि इस पाइल के लोगों को अपने पर्पस को पूरी करने के लिए यहाँ पर इन 3 महीनों में कहीं ना कहीं आप जानोगे कि आपके पर्पस क्या है। हो सकती है कि आपको भी नहीं पता, लेकिन 3 महीनों में आपको पता चल जाएगी कि आपके ये जो रिलेशन है इसकी पर्पस क्या है, इसकी फ्यूचर क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को, जैसे कि मैंने कहा ना, स्टेबिलिटी नहीं है, पता नहीं है कि इसकी फ्यूचर क्या है, तो वो फ्यूचर मिल जाएगी आपको, पता मिल जाएगी कि इसकी फ्यूचर कहाँ है, कहाँ तक जाने वाले हो इस रिश्ते को लेकर। आखिर ये इंसान आपके लाइफ में क्यों आए, आपके साथ इस इंसान के साथ ही ऐसा कुछ महसूस क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब ये जो क्यों का सवाल है ना, सो ये आपको मिलने वाली है इन 3 महीनों में। मुझे वो चीज़ दिख रहा है। ब्यूटिफुल, वाओ, ग्रेट, ऑसम पाइल। सी आपके हेल्थ के लिए देख लेते हैं। 6 चक्र आर्केंजल मैट्रन। सी मैंने आपको कहा ही है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई होने वाली है। कुछ लोग यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर इस शायद लाइन पे हो, सो आपके लिए मुझे प्रोग्रेस दिख रहा है। एंड आपके 6 चक्र बहुत एक्टिव होने वाली है। ब्यूटिफुल। सो हेल्थ वाइज मुझे एकदम परफेक्ट दिख रहे हो। हेल्थ वाइज कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों की हो सकती है कि थोड़ी सी सरदर्द हो सकती है, लाइक इतना ज़्यादा काम कर रहे हो, काम के प्रेशर की वजह से कुछ आपके सर में कुछ प्रॉब्लम, मतलब दर्द हो सकती है, प्रॉब्लम मतलब दर्द हो सकती है, वैसा कुछ मेजर नहीं है। अदरवाइज आप एकदम परफेक्ट रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सी आपने यहाँ पर 444 को चूज़ किया है, यहाँ पर भी 40 है, ग्रेट, राइट। एंड इसको भी 222 को आप अगर प्लस करोगे 4 बनता है ना, कितना ब्यूटीफुल देखो कार्ड्स आया हुआ है आपके लिए। सो देख लेते हैं अभी आपके स्पिरिचुअलिटी में आप कितना ग्रो करने वाले हो। सो ओपन कम्युनिकेशन, मर्क्यूरी का कार्ड है। सो गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, पिक अप विथ लव एंड बी हियर्ड। सो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कुछ भी बोलने से पहले थोड़ी सी सोच के बोला कीजिए, कुछ भी करने से पहले थोड़ी सी सोच के। जैसे कि इस पाइल को ना सिर्फ अपनी चलानी है, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है पता नहीं, डोंट माइंड, बट मुझे जो मैसेज मिल रहा है मुझे तो देनी है, अपनी चलानी, अपनी सुननी है, बट ऐसा नहीं करनी है आपको, सामने वाला की भी आपको सुनने की ज़रूरत है, राइट, कि वो क्या क्या कहना चाहते हैं, वो क्या बताना चाहते हैं आपको, उन चीज़ों को भी आपको समझने की ज़रूरत है, डेफिनेटली। ओहो, यहाँ पर कुछ लोगों की आईज़ बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है, स्माइल बहुत अच्छी हो सकती है, वो लड़के हो या फिर लड़की, यहाँ पर लड़के ही ज़्यादा हैं, मेल एनर्जी जो है वो ज़्यादा यहाँ पर मिल रही है, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक हैंडसम चार्मिंग एनर्जी मुझे वो मिल रही है। एंड ऑल्सो गर्ल्स हो तो, या फिर आप फीमेल हो तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो चीज़ कि आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, आपकी आईज़ बहुत लोगों को शायद अट्रैक्ट करती है, क्योंकि मुझे तो आपको जैसे कि सुनने की भी ज़रूरत है। तो मुझे यहाँ पर एक कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। ओके, इफ़ अगर किसी से कुछ बताना चाहते हो, बहुत टाइम से जैसे कि दिल में छुपा के आपने रखा हुआ था तो बता दीजिए, या फिर किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो आपको आके बता रहे हैं। ओके, इस दौरान पे, इस 3 महीनों में आपको आगे बढ़ने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है,
बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या करनी चाहिए। आप अपनी इंट्यूशन को सुन के आगे बढ़ोगे। इफ़ अगर कोई आपसे दिल की बात नहीं शेयर कर रहा था तो वो करने वाले हैं, या फिर यहाँ पर जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो आके जैसे कि अपना दिल हल्का कर रहा है, कुछ बोल रहा है। इफ़ अगर आप फेमिनिन एनर्जी हो तो मैस्कुलिन से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपको आके कुछ कहेगा। इफ अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी हो तो आप जाके कुछ कहोगे, ठीक है। एंड स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपकी झुकाव बढ़ेगी। कैसे झुकाव बढ़ेगी कि स्पिरिचुअली आप ग्रो होंगे और आपको पता चलेगा कि आपको क्या बतानी है, कब क्या बोलनी है, कैसे बोलनी है। तो इन सारी चीज़ों में ना आपको एक जैसे कि स्पिरिट्स आपको सिखा रहा है कि बैलेंस कैसे करनी है। आप जैसा बोल रहे हो, जैसा कर रहे हो, उन चीज़ों में आपको कैसे बैलेंस मेंटेन करनी है। तो ये सारे कुछ स्पिरिट्स आपको सिखा रहे हैं इन 3 महीनों में। तो ये सारी चीज़ों में आप बहुत ग्रो करोगे। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आई है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो या आप खुद को शो करने वाले हो। आप इफ़ अगर कुछ चीज़ों में जैसे कि डरते थे आगे बढ़ने से, बोलने से, कम्युनिकेट करने से, सो आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर जो डर है वो ख़त्म हो रही है। ऑब्सेशन जिसमें था ना, कुछ एडिक्शंस था, तो वो ख़त्म हो रही है डेफिनेटली। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर से मैं देख लेती हूँ कि क्या पता चलती हैं। और यहाँ पर ना कोई आपकी इनिशियल मैं नहीं देखूँगी, क्या देखने वाली हूँ वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर से मैं सिर्फ एक ही चार्म निकालूँगी और देखूँगी कि कौन सी चार्म आती है आपकी इस फोकस के लिए, मतलब वो आपके लिए स्पेसिफिक मैसेज होगी। एंड यहाँ पर से मैं आपके लिए 5 लेटर्स निकालूँगी। आपको अपने मन से जो भी आप उससे वर्ड निकल रहा है, बना पा रहे हो, सो अब वो आपके लिए ही होगी, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगी, वो स्पेसिफिक होगी। ओके, आपको क्लैरिटी मिले, दैट्स वाई मैं ये कर रही हूँ। और जनरल रीडिंग में आपको स्पेसिफिकली आपको स्पिरिट्स ने क्लैरिटी भी दे दिया। हर रीडिंग में मैं ये करने वाली हूँ ताकि आपको, आप लोगों को क्लैरिटी मिले जनरल में भी, क्योंकि हर कोई पर्सनल नहीं ले सकता, राइट। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी दे पाऊँ। 5, 1, 2, 3, 4 and 5। ओके, हम टाइमिंग नहीं लेंगे, मतलब ये नहीं लेंगे। ये नंबर्स नहीं लेंगे। और एक ओके, सो मिल गई है। और आपके लिए एक चार्म ले लेते हैं जो मैं नहीं देखूंगी और क्या आती है देखूंगी। अरे बाप रे, यहाँ पर तो 2 चार्म आ चुका है। सो स्पिरिट्स आपको देना चाहते हैं 2 चार्म्स। तो फर्स्ट है ये गिटार म्यूज़िक सुना कीजिए। आई फील आपको म्यूज़िक मेडिटेशन इफ करोगे या फिर करते हो तो बहुत राहत मिलती है। एंड ऑल्सो आप इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हो, कुछ क्रिएटिव कर सकते हो। ओके, एंड द सेकेंड है ये लव। सो आई फील आपके लाइफ में लव आ रही है। एंड इफ अगर रिलेशन में हो या फिर शादीशुदा हो तो आपकी जो यूनियन है, आपकी जो रिश्ता है ना, बहुत प्रोटेक्टेड है, बहुत ज़्यादा। लेट्स सी आपके लिए वर्ड्स क्या है। लेटर्स जेड जेड E G M 9 या फिर 6, जो भी देखो। सो या आपको भी देखनी है और कमेंट में मुझे बता सकते हो कि क्या वर्ड बन रहा है। और यूनिवर्स को ज़रूर थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय पाइल 3। इफ आपने पाइल 3 को चूज किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। चैनल जो हो रहा है, यानी कि स्टोन को चूज़ किया है। सो इस ये पायल ने ना जिंदगी में बहुत कुछ जैसे कि आपके हाथ से गई है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। इस पायल को अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखनी पड़ती है। आपके आपके लिए
8 कुछ इम्पोर्टेंट हो सकती है, 17 कुछ इम्पोर्टेंट हो सकती है। इस दौरान पे शायद आप बहुत टू टू देख रहे हो, तो आपने इसलिए भी इसको चूज कर सकते हो, या फिर आपने नॉर्मली चूज किया है। तो मैं आपको ये बता दूं, इस 3 महीनों में आपको कहीं ना कहीं स्पिरिट्स ये कुछ चीजों के ऊपर जैसे कि रोशनी डालने वाले हैं कि आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचनी चाहिए। आपको अपने लाइफ में उन्हीं चीजों के ऊपर प्रायोरिटी कुछ इम्पोर्टेंट हो सकती है, आपको अपने लाइफ में उन्हीं चीजों को प्रायोरिटी देना चाहिए जहां पर आप सेटिस्फाइड हो। इफ अगर आप कहीं पर सेटिस्फाइड नहीं हो तो वहां से निकल आओ, वहां पर अपनी टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि टाइम इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो वेस्ट कहा, यानी कि वहाँ पर टाइम आपकी वेस्ट ही हो रही है। तो आपने बहुत कुछ शायद लाइफ में ट्राई किया है, या फिर ट्राई कर रहे हो, एक से ज़्यादा काम करते हो, कोशिश कर रहे हो, आपने आप बहुत कोशिश करते हो, या वही एनर्जी पिक हो रहा है। जैसे कि आप लोग हार आसानी से नहीं मानते हो, कोशिश करते रहते हो, ये नहीं तो वो नहीं तो वो, पॉसिबिलिटीज आपके तरफ खींचा ऐवे ही चला आता है क्योंकि आप लोग मेहनती हो। लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या बताती हैं। क्वीन ऑफ रॉड्स, 4 of Swords एंड द हैंगमैन। ओके, किसी काम में ना अटके हुए हो, तो मुझे क्या दिख रहा है, इन 3 महीनों में स्पिरिट्स आपको कुछ सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? सरेंडर करना सिखा रहे हैं, खुद के ऊपर जो लोगों के साथ जा रहे हैं वो रख ले, क्योंकि जनरल है, जो लोग आप लोग अपने चलाना, अपने अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, खुद के काम कैसे करना है, आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है, लेकिन आप लोग ना सरेंडर नहीं करते हो। वही चीज़ दिख रहा है, आप लोग सरेंडर नहीं करते हो, और स्पिरिट्स आपको सिखाना चाहते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें हमारी हाथ में नहीं होते हैं, जितना मेहनत तुमको करना है बस तुमने वो कर्म कर लिया, अभी थोड़ी सी पॉज देने की कुछ कुछ चीज़ों में हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग जब तक नहीं आती है वहाँ पर हम अपने पावर से भी कुछ नहीं कर पाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि एक पॉज दिख रही, मुझे दिख रहा है पाइल 3 के लिए कि एक पॉज मिल रहा है आपको। आपको स्पिरिट सिखा रहे हैं कैसे डिवाइन के ऊपर विश्वास किया जा सकता है, कैसे आपको सरेंडर करना है स्पिरिट्स को, और उसके बाद आपको वो चीज़ मिल जाएगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स सी आपके करियर के लिए मुझे क्या पता चलती है। मैसेज एंड पॉलिटिक्स। ओके, सी आप बहुत हार्डवर्किंग पर्सन हो, एंड आप लोग मुझे ऐसा दिख रहा है कि दो तरह के, ये जनरल है, सो मैं दो तरह के लोग यहाँ पर देख पा रही हूँ। वो है कि इफ अगर आपके कर्म सही है, इन 3 महीनों में आपको वो फल मिलता हुआ दिखेगा, ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकती हूँ। कर्म कैसे सही है मैं बोलूँ, आपने कोई भी शॉर्टकट अप्लाई नहीं किया हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो देख रही हूँ चारों तरफ, मेहनत करके भी जॉब नहीं पाते हैं, लेकिन कुछ लोग पैसों के दम पे, पावर के दम पे पा लेते हैं, ठीक है। तो वैसा कुछ अगर आप शॉर्टकट अप्लाई करना चाहते हो, तो मुझे वहाँ पर नहीं दिख रहे हो कि वहाँ पर आप सक्सेसफुल हो रहे हो। मुझे उन लोगों के लिए दिख रहा है जिन लोगों ने बहुत मेहनत किया है, जितनी भी आपने प्रॉब्लम फेस करी है, जितनी भी लोगों ने आपको ठगा है, मुझे वही सुनाई दे रहा है। कुछ लोगों ने जैसे कि आपकी विश्वास को तोड़ा है, आपको इस रास्ते पर जाने के लिए रोका है, नहीं सपोर्ट किया हुआ है, तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो उस चीज़ का फल ना आपको मिलने वाली है, जैसे कि एक मैसेज आ रही है आपकी तरफ, एक मेल आ रही है, एक फ़ोन की घंटी मुझे सुनाई दे रहा है, ठीक है। बेसिकली मैं बोल सकती हूँ आपके हाथ में एक जॉब लेटर है। इन 3 महीनों में कहीं ना कहीं एक आप जॉब की लेटर रिसीव कर सकते हो, या फिर ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, सो दैट उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ। ओके, कुछ तो है यहाँ पर, आपको कुछ तो अचीवमेंट ज़रूर मिलेगी पाइल 3 में, आपको बोल सकती हूँ इन 3 महीनों में, इफ़ अगर सरेंडर करते हो तो।
इधर उधर हाथ पैर मारना बंद कर दो। इस दौरान आपको 777 बहुत दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि स्पिरिट्स आपको बताना चाहता है कि वो आपके साथ हैं। सरेंडर कर दो अब, जितना आपने करना था कर लिया है। इफ अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे यहाँ पर मैं और क्या दूँ, मैंने जितना करना है कर लिया है। इफ अगर आपको ऐसा लगे तो वहाँ पर वो चीज़ स्टॉप कर दो, ठीक है। लव लाइफ के लिए है कोऑपरेशन, सो यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि आपके जो पार्टनर है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं इफ़ अगर रिलेशन में हो तो। इफ अगर सिंगल हो तो मैं दिख पा रही हूँ कि आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो आपके तरफ आ रहे हैं। उनके साथ कुछ एक्सपीरियंस आप करोगे इस रिलेशन में। अगर सिंगल हो तो मुझे दिख रहा है कि आप अपने लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो और इस 3 महीनों में कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हो लव लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। आपकी हेल्थ कैसे रहेगी? एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज। सो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, हेल्थ वाइज आपको वैसे तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको यही बताऊंगी, ज़्यादा टेंशन मत लिया कीजिए, ठीक है। टेंशन लोगे तो हो सकती है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखे, लेकिन अदरवाइज तो आपकी हेल्थ सही है, कोई वैसे इश्यूज़ मुझे नहीं दिख रहा है। अगर होगी भी तो बहुत जल्द वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। थोड़ी थोड़ी करके हो सकते हैं कि इन 3 महीनों में आपको दिखे, कभी सर दर्द हुआ, कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे वो चीज़ दिख रहा है, लेकिन वो जल्दी से जल्दी ठीक भी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम से वो रहेगी, ओके। तो मुझे यहाँ पर हेल्थ में एक इम्प्रूवमेंट दिख रहा है आपके लिए। लेट सी आपके स्पिरिचुअलिटी की तरफ क्या देख पा रही हूँ, कॉस्मिक गेटवे। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, चेंजेस आर अपेयरिंग। सो यहाँ पर चेंजेस आ रही है, मैंने जैसे कहा वो लव लाइफ में हो, करियर में हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक स्ट्रॉन्ग चेंजेस आ रही है। क्यों देख पा रही हूँ? क्योंकि आपके जो थॉट्स हैं ना, स्पिरिट्स उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आपके जो थॉट्स हैं उसको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, सरेंडर करना सिखा रहे हैं, मैंने जैसे आपको कहा। तो ये चीज़ों में कहीं ना कहीं आप थोड़ी सी ग्रो करने वाले हो, और इस दौरान पे आप जो जो सोचोगे, जो जो करोगे, वही मैनिफेस्ट होगी आगे 3 महीनों में। मैं आपको ये क्लियरली बता दूँ, अपना कर्म सही रखिए, पाइल 3। मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि आपके कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है कि आपके कर्म के ऊपर आपके फल होगी, ओके। स्पेशली जो लोग 8, 17 and 23 में बर्थ हुए हो। मैंने 26 कहा था पहले, बट वो 26 नहीं है, 23 है, 23 में बर्थ हुए हो। आपके कर्म बहुत मैटर कर रही है सक्सेस के पीछे, ओके। सो ये देख लीजिएगा गाइडेंस क्या आई है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। सो इफ अगर आपकी प्राइड बीच में आती है, वो रिलेशन में है, करियर पे है, कुछ भी कामों में, इफ अगर आपको यू नो प्राइड बीच में आ रही है कि कुछ चीज़ों में, जैसे कि किसी की हेल्प चाहिए, जैसे कि वहाँ पर आपकी कोई काम नहीं है, कोई और आपको हेल्प कर सकता है वो काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आपको हेल्प नहीं लेनी है क्योंकि आपकी प्राइड वहाँ पर आ रही है, ईगो वहाँ पर आ रही है। सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके अचीवमेंट में आपकी ईगो बाधा बन सकती है, जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि अपने ईगो को थोड़ी सी अपने तक ही रखिए। सक्सेस की तरफ आपको अगर कुछ रोक सकता है वो है इफ अगर कुछ गलत कर्म करते हो वो, एंड दूसरा आपका खुद का प्राइड, यानी कि खुद का ईगो, ठीक है ना। आई होप मैंने क्लैरिटी दे दिया है, और मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, राइट। तो कुछ लोगों को शायद ये चुप सकती है, लेकिन मुझे गाइडेंस मिल रही है तो मैं डेफिनेटली बताऊँगी। मैं यहाँ पर गाइडेंस देने के लिए ही बैठी हूँ, राइट। सो मैं आपको ऐसे स्वीट टॉक्स नहीं कर सकती हूँ देख के भी। सो यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, अच्छे से सुनिए। आपके लेटर्स नहीं हैं ये, मतलब आपके जो इनिशियल्स होती है वो नहीं देखूंगी, बल्कि यहाँ पर मैं 5 लेटर्स निकालूंगी आपके लिए, स्पेसिफिक मैसेज आए, दैट्स वाई वो लेटर्स देख के आपके माइंड में जो वर्ड सबसे पहले आएगी, यानी कि वो आपके लिए है, ठीक है। तो जनरल रीडिंग में आपको थोड़ी सी पर्सनली एक रीडिंग का आपको वाइब मिलेगा, एंड ऑल्सो स्पिरिट्स की तरफ से आपको क्लैरिटी और भी ज़्यादा मिल रही है।
फाइव लेटर्स निकालूंगी। अगर कोई नंबर आए तो वो आपके लिए होगी, लेकिन वो नंबर मैं नहीं लूंगी, फाइव लेटर्स ही लूंगी। सो यहाँ पर ओके ओके, हेल्थ वाइज जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन डोंट वरी। आप सी यहाँ पर एट आया हुआ है, मैंने एट कहा हुआ था ना, सो स्ट्रॉन्ग मैसेज बन गई है। जिन लोगों की भी डेट ऑफ बर्थ एट है या फिर अगस्त, कुछ इम्पोर्टेंट हो सकती है। ओके सो ई डी, कुछ लोग यहाँ पर मोहम्मदन हो सकते हो, रिलीजन मैटर नहीं करता बट मुझे सुनाई दिया। एन एच वाई, ईद के टाइम आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, कुछ पता चल सकते हैं, मुझे आप पर सुनाई दे रहे हैं। ओके एंड यहाँ से मैं एक ही चार्म निकालूंगी तो ये वो बहुत फोकस में आएगी एंड बहुत स्पेसिफिक होगी आपके लिए। ओके और मैं नहीं देखूंगी कि क्या चार्म मैं निकाल दूंगी। नो, अच्छा चलो, अच्छा यहाँ पर कमिटमेंट मिल रही है, यहाँ पर स्टेबिलिटी वही, एंड रिलेशन में स्पेशली जो लोग रिलेशन के लिए देख रहे थे उन लोगों के लिए ये स्पेशल मैसेज है, शादी दिख रहा है। ओके वन मोर मैसेज प्लीज, जो लोग भी करियर को लेकर जानना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए प्लीज। ओके सो ये आया हुआ है ये चार्म, यानी कि ये एक ताला है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकते इस ताला की चाबी आपको मिल जाए, की मिल जाए कि आपको कैसे यू नो डील करनी है, बाहर निकलना है, क्या करनी है। जैसे कि मैंने कहा कि आपको क्लैरिटी मिल रही है ना, स्पिरिट्स आपको कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ चीज़ों में क्लैरिटी देना चाहते हैं, तो वो आपको मिल रही है। अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस दौरान पर आपके हेल्थ के ऊपर कुछ असर कर सकती है, लेकिन आप जल्दी रिकवर कर जाओगे, डोंट वरी, लेकिन हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, वही मैं आपको बोलूँगी। ओके यहाँ पर कुछ लोग आपके अच्छे नहीं चाहते हैं और कोशिश करेंगे कि आपको रोकने की, आगे बढ़ने की, या फिर आपके हेल्थ पे कुछ इफ़ेक्ट करे वो चीज़, ठीक है। उन चीज़ों में थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। या सो यही सारे मैसेजेस आपके लिए मुझे यहाँ पर से मिल रही है पाइल थ्री। आई होप आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली है, मिली है तो यूनिवर्स को थैंक करना और मुझे बताना क्या वर्ड्स आपको मिला। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।